नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। किसानों ने रविवार को 500 जत्थेबंदियों का डेटा तैयार किया और वकील प्रशांत भूषण से 3 घंटे चर्चा चली। कोर्ट को बताया जाएगा कि आंदोलन में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर के किसान संगठन शामिल है। किसान संगठन नए कानूनों की वजह से होने वाले नुकसानों के बारे में कोर्ट को बताएंगे। एक एक बात बारीकी से बताई जाएगी। यह भी बताएंगे कि किस तरह से उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर किया गया। इन तीनों कानूनों के बारे में कैसे मजबूती से पक्ष रखा जाए, इस पर भी कई सीनियर वकीलों से चर्चा हुई। बीते शुक्रवार किसानों की सरकार के साथ बातचीत एक बार फिर से विफल रही। अब 15 जनवरी को किसान नेता 9वीं बार केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, लेकिन इस बैठक को लेकर भी किसान नेताओं में कोई उत्साह नहीं है और करीब सभी किसान नेता ये मान रहे हैं कि अगली बैठक भी बेनतीजा ही रहने वाली है। चीन से तनाव के बीच सियाचिन और लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों में तैनात जवानों को अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जवानों के लिए हिमतापक हीटिंग डिवाइस तैयार की है। ये ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए सेना का बंकर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी गर्म रहेगा। यह हीटिंग डिवाइस बैक ब्लास्ट के दौरान निकलने वाली जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भी जवानों को बचाएगी। जम्मू कश्मीर में असामान्य भारी बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। एसजीआरएफ नियमों के तहत भारी बर्फबारी को अभी तक प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल नहीं किया गया था। इससे आपदा प्रबंधन विभाग को बर्फबारी से नुकसान पर प्रभावित लोगों को राहत देने में तकनीकी रूप से मुश्किल आ रही थी। प्राकृतिक आपदा घोषित होने से अब बचाव कार्यों में तेजी के साथ बर्फबारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में आसानी होगी। इस बार 26 जनवरी की होने वाली परेड के सिर्फ 4000 पास आम जनता को बेचे जाएंगे। कोरोना व किसान आंदोलन के चलते यह फैसला लिया गया है। साथ ही इस बार नई दिल्ली की सीमाओं पर ही पास व परिचय पत्र दिखाना होगा। परिचय पत्र वही होना चाहिए जो पास खरीदते समय दिखाया गया था। किसान आंदोलन के चलते इस बार परिचय पत्र को अनिवार्य किया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सोमवार शाम को 4 बजे यह बैठक होगी। यह बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। देश में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। उससे पहले रविवार को कई राज्यों की ओर से कहा गया है कि पहले चरण के अभियान के लिहाज से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश में रविवार को कोरोना के 16,085 नए मरीज मिले, 16,735 ठीक हो गए और 150 संक्रमितों की मौत हुई। जान गंवाने वालों का यह आंकड़ा 232 दिन यानी 23 मई के बाद सबसे कम है। तब एक दिन में 142 संक्रमितों की मौत हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप।